कुमारी, आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षित टीवी। बड़का गांव वन क्षेत्र पदाधिकारी छोटेलाल साव के नेतृत्व में वन विभाग ने 3 टन अवैध कोयला लदा पिकअप वैन को जब्त किया। जब्त वाहन को कार्रवाई के लिए बड़का गांव वन क्षेत्र कार्यालय में लाया गया है। इस संदर्भ में रेंजर छोटेलाल साहू ने कहा कि बड़का गांव वन क्षेत्र अंतर्गत रूदी जंगल में अवैध रूप से कोयला खनन होने की सूचना मिली। सूचना के अनुसार एक टीम गठित कर गश्ती के साथ रूदी जंगल में छापेमारी की गई। अवैध कोयला लोड कर भाग रहे पिकअप वैन का पीछा करते हुए फदर गांव के पास पकड़ लिया गया है। मामले में ड्राइवर गिरफ्तार किया गया है, मामला दर्ज किया जा रहा है। पिकअप वैन जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH02BA4550 है, छापेमारी में भोला साहू, भूपेंद्र कुमार, अजय यादव, मनोरंजन कुमार, कृष्णा मातो आदि वन विभाग के कर्मी शामिल थे। बड़का गांव से राजेश कुमार की रिपोर्ट।